जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं, यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं, कभी न बंद होने वाला बिजनेस। नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका त्रिपाठी, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लघु उद्योग भोपाल में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं आपको लेकर महादेवा इंडस्ट्री में, जहाँ की मशीनों का हब है। तो आज हम कौन सी मशीन के बारे में जानने वाले हैं, मशीन का प्रोडक्शन कितना होने वाला है, मशीन का जो लाइट का जो खपत होता है वो कितना होता है, मशीन की सप्लाई कहाँ कहाँ पे की जाती है, इस मशीन से प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सारा चीजें हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आटा चक्की मेकिंग मशीन, और दूसरी मशीन हम बात करने वाले हैं पैकिंग मशीन, जिसमें कि हम आटा चावल दाल बेसन सत्तू अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम पैक करके मार्केट में दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो आता है वो आता है आटा चक्की मेकिंग मशीन। आटा चक्की एक ऐसी मशीन है फ्रेंड, जो कि हम छोटे से लेके बड़ा हर तरीके का हम उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सी मशीन लें, मशीन का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसको छोटे से शुरू करना है वो एक छोटी भी मशीन ले सकता है, अगर उसको बड़े से शुरू करना है तो उसके लिए बड़ी मशीन लेनी, आपको बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती है। छोटी मशीन की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो छोटी मशीन में पर घंटे का हमारा जो प्रोडक्शन है वो होने वाला है कम से कम 15 से 20 केजी का। अगर हम उससे ज्यादा का, अगर हमें मार्केट के हिसाब से देखना रहे, मुझे बिजनेस के हिसाब से देखना रहे, तो हमें कम से कम उसका जो प्रोडक्शन है वो पर आवर का, पर घंटे का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 80 से 100 केजी का होना चाहिए। आज हम इसी सारी मशीनों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मशीन जो होता है फ्रेंड्स वो दो तरह का होता है, एक होता है SS का और एक होता है MS का। अगर हम बात करें SS का, तो जो SS वाली जो मशीनें होती हैं वो टोटल स्टील बॉडी की होती है, और जो MS का होता है वो लोहे का होता है, जिसका कि हर तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें जाली लगा होता है, जाली को चेंज करके आप मोटा पतला हर तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपको आटा पीसना है तो उसकी जाली एक अलग लगाएंगे, अगर आपको मैदा पीसना है तो उसकी जाली हम अलग लगाएंगे, अगर आपको बेसन पीसना है तो उसकी जाली हम आटे में ही चला सकते हैं। बट अगर मुझे दलिया पीसना है या दाल को दरदरा करना है तो उसकी जो जाली आती है, उसकी जो डाई होती है वो अलग होती है। तो हम डाई को चेंज करके, मतलब उसका जो जाली है उस जाली को चेंज करके हम इसमें मोटा पतला हल्दी पीस सकते हैं, मिर्च पीस सकते हैं, गरम मसाला पीस सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चावल आटा बेसन सत्तू हर चीज पीस सकते हैं, और मार्केट में सेलिंग हम काफी अच्छा इस मशीन से कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें बहुत ही ज्यादा होने वाला पर डे, कम से कम आप रेगुलर की अगर हम बात करें पर डे, तो पर डे हम कम से कम इस मशीन से 5,000, 7,000, 8,000 हम आसानी से इस मशीन से कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जिसका कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना कमा सकते हैं। हम जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिस हिसाब से हम सेलिंग करते हैं, उस हिसाब से हमें इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये जो मशीन है इसमें हम, अगर हमें छोटी मशीन होती है तो 2 HP का मोटर होता है, उससे बड़ा अगर मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो 3 HP का मोटर आता है, 5 HP का होता है, 7.5 HP का होता है, 10 HP का होता है, 15 HP का होता है, जितने HP का चाहे मशीन की साइज के हिसाब से मशीन में मोटर लगा सकते हैं, और प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन करके मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग हम कर सकते हैं। अगर हम दूसरी मशीन की बात करें, जैसे कि अब तो मैंने आटा पीस लिया या बेसन पीस लिया, गरम मसाला पीस लिया, अब हम इसको खुले में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि आजकल मार्केट में जो चल रहा है वो चल रहा है पैकेट। अब मुझे कैसे चलना है, पैकेट के हिसाब से चलना है। तो पैकेट के हिसाब से चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा बैंड सीलिंग मशीन। तो बैंड सीलिंग मशीन में हम छोटी भी मशीन ले सकते हैं, बड़ी भी मशीन ले सकते हैं। अगर हम छोटी मशीन लेते हैं तो वो मात्र आपको 1500 से स्टार्टिंग है, लेकिन अगर बैंड सीलिंग की मशीन है तो हम इसमें 1 ग्राम से लेकर 10 केजी तक का हम आसानी से इस मशीन में पैक कर सकते हैं। इसमें ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हम डिटर्जेंट पाउडर भी पैक कर सकते हैं, 1 केजी का, 1/2 केजी का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी सारा पैक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर पैक कर सकते हैं, उसी तरीके से आटा पैक हो
सकता है, चावल पैक हो सकता है, दाल हो सकता है, बेसन, सत्तू, गरम मसाला, चाय पत्ती, चावल, खड़ा आइटम, जितना चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सारी चीजें हम उसमें पैक कर सकते हैं और पैक करके मार्केट में चला सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है कि अगर हम पैक करते किसी भी अगर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर मान के चले कि वो उस प्रोडक्ट का जो कीमत है, जो लागत है, वो मात्र 20 रुपया है, अगर हम उसको पैक कर देते हैं तो उसका लागत जस्ट हमारा 5 रुपया 8 रुपया बढ़ जाता है। मतलब उसका जो बना हुआ मटेरियल है अब वो मार्केट में मिलेगा, जो हमें 20 रुपये का हम खुले में लेंगे उसको हम जस्ट आपका 28 में भी हम कर सकते हैं, 30 में भी दे सकते हैं, और अगला जो बंदा है वो खुशी खुशी लेता भी है, क्योंकि वो पैकिंग के हिसाब से चलता है, आपका क्वालिटी देखता है कि क्वालिटी शुद्ध है, ओरिजिनल चीज हमको मिल रहा है, तो भले ही मुझे 2 रुपया महंगा ही मिलेगा लेकिन मुझे वो जो मिलेगा वो ओरिजिनल चीज मिलेगा। तो आजकल मार्केट में डुप्लीकेट की कितना तेजी से चल रहा है, जो कि मिलावट की चीजें, बट अगर आप मटेरियल खुद पीसते भी हैं और पैक भी करते हैं और कस्टमर को अपने दे भी रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारा जस्ट डबल की कमाई हो जाती है। अगर हम मशीन की सेलिंग की बात करें तो मशीन की सेलिंग टोटल ऑल ओवर इंडिया में होती है। आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, एक कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं या आपका स्क्रीन में जो नंबर शो करा है अगर आप उसमें कॉल करते हैं तो आपको कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन मशीन मंगाना है तो 30% अमाउंट आप जमा कीजिए, ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाने वाला है, और 70% अमाउंट आपको तब देना होगा जब मशीन आपके यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत ही कम पैसे में आप मशीन को मंगा सकते हैं। मशीन की स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात कीजिए तो मात्र 18,000 से है। मतलब आप 18,000 रुपया लगा करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा मार्केट में सेलिंग करके आप प्रोडक्शन करके इनकम कमा सकते हैं। और अगर आपको ऑफिस विजिट करना है तो हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है वो बड़खेड़ा पठानी रोड, द कटारा हिल्स स्कूल भोपाल में पड़ता है, लहारपुर में है ये ऑफिस, तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, मशीन की सारी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हम कहीं छूट गए हो, कुछ भूल गए हो तो उसको भी आप लोग बताइएगा, और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक कमेंट करने से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी यूट्यूब के, मेरे जो फैमिली है, मेरे अपने फैमिली है, वो मेरे साथ है, मेरे जुड़े हुए हैं हमसे, तो ये सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अब हम एक नए मशीन नए वीडियो के साथ आएंगे, फिर तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।